पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अर्जुन आते ही। दादी आपकी दवाई। मिस्टर शेखर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारी मीटिंग फिक्स्ड है आज के लिए। नहीं नहीं, हमारी कोई मीटिंग प्लान नहीं थी। मैं सिर्फ इसलिए है कि कल जो भी तमाशा हुआ उसको लेकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तमाशा? किस बात का तमाशा? अर्जुन तुम आ गए। हाँ स्निग, वो दादी को दवाई प्लीज दे देना। आप प्लीज बैठिए। उसे देखना बंद कर, वो ऑलरेडी बुक्ड है प्रीता से। क्या बोल रहे हो दादी आप? ये बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले उन्हें ऑफिस की बातें करने दें। हाँ बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या? कल मीटिंग में ऋषभ और अंजलि आए थे और उन दोनों में पर ये डील मेरे और अर्जुन सूर्यवंशी के बीच में है। इस डील में अर्जुन का होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा यहाँ पर होना है, क्योंकि हम लोग ये मीटिंग हाई बाय बोलने के लिए नहीं रखी है, बिजनेस मॉड्यूल डिस्कस करने के लिए रखी है। और अगर अर्जुन यहाँ पर नहीं होगा तो इस मीटिंग को करने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तक कि लास्ट में ऋषभ ने अंजलि को धमकी भी दी। कमाल है, ऋषभ और अंजलि की फाइट। अंजलि तो बिल्कुल ऐसी नहीं है और ऋषभ भी ऐसे फाइट करेगा अंजलि के साथ, आई कांट इमेजिन। प्लीज प्लीज मुझसे पूछो। दिखने में दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो फाइट करेंगे, बट द वे दे वर फाइटिंग, सब कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अगर ऋषभ को मौका मिला तो वो अंजलि को छोड़ेगा ही नहीं, बहुत गुस्से में था वो। बट सॉरी टू से, पर गलती अंजलि की भी थी। एनीवेज मैं यहाँ आपको ये बताने नहीं आया कि कौन सही था और कौन गलत, मैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट डिटेल्स बताने आया था ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ प्लीज आप नेक्स्ट टाइम मीटिंग में जरूर आना, अंजलि भी आ सकती है बट आपका रहना जरूरी है प्लीज। श्योर श्योर डेफिनेटली। ये फाइल, फाइल में क्या है? दादी एक बात बताओ, अर्जुन को प्रीता इतनी अच्छी क्यों लगती है? वो तो मैरिड है ना। दुनिया में बहुत सारी चीजें अजीब होती हैं, लेकिन जब भी मैं अर्जुन को देखती हूँ ना, मुझे लगता है उसके साथ सारी चीजें अजीब होती हैं। प्रीता उससे नफरत करती है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उसका दिल सिर्फ प्रीता के लिए धड़कता है। दादी मैं अभी आई। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।